और ये मुस्लिमिन अबा वो शख्स है कि हमारे असमान रज़ाल के जो हजरा हैं हाफ इबिन कसीर हैं हाफ ज़हबी, हैं हाफ इबिन हजर हैं उनसे पहले इमाम अजली हैं इमाम अक़ैली हैं और बहुत से हजरा हैं आप देखें हज़रत बहुत अतदाल से काम लेते हैं लेकिन जब मुस्लिम अबबा का नाम आता है ना तो वो इसको मुशरफ इबन अबा कहते हैं कि ये इसराफ़ करने वाला ाल आदमी था तो खैर ये रास्ते में मर गया तो इसने एक दूसरे नायब हुसैन बिन उमैर को फौज दे कहा कि तुम जाओ और अब्दुल्ला बिन जुबैर से तुमने मुकाबला करना है और देखो वहाँ पर कुरेश बहुत ज़्यादा हैं क्रैशियों से बिल्कुल बातचीत नहीं करना क्योंकि बीच में पढ़ के कोई सुह की सूरत निकाल लेंगे सुलह करनी नहीं है तुमने लड़ाई करनी है तो हुसैन बिन नुमैर वहाँ पहुँचा है अब ये सन चौंसठ हिजरी शुरू हो चुका है और उसने मक्का को घेर लिया और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने सिपाहियों के साथ साथियों के साथ बाकायदा फौज तो नहीं थी लेकिन मदीने ही के जहाँ लोग थे वो पहाड़ियों पर खड़े हो गए और जना मुकाबला शुरू हो गया ये जंग जारी थी कि यजीद का इंतकाल हो गया यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद आ गया वो तो बेचारा वैसे ही बीमार था नेक शरीफ और साले लड़का था और बहुत परेशान था अपने बाप के दौर के हालात को देख के तो चालीस दिन बाद वो बिल्कुल मरने के करीब हो गया साथ ही उसने कहा कि मैं किसी को खिलाफत का जानशीन नहीं बनाता हूँ लोगों ने कहा जी अपने भाई को आप बना दें उसको खलीफा बना दें उसने कहा किसी को नहीं बनाऊँगा मैं खिलाफत को शूरा के हवाले करता हूँ जो सुनना तरीक़ा है मुसलमान जिसको अच्छा समझे खलीफा बना लें तो मुविया बिन यजीद की वफ़ात हो गई तो पीछे मुसलमानों ने अपनी शूरा के साथ अपनी मर्जी से अपनी ख़ुशी से जैसे खलफ़ा राशिदीन का इतखा होता था उसी सुन्नत तरीक़े के मुताबिक हज़र अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत कर ली ये वाक़ रजब सन चौंसठ हिजरी का रजब सन चौंसठ हिजरी में अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत होती है और आलम इस्लाम के जो बड़े बड़े आठ सूबे थे उन आठ में से सात सूबों में अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत हो गई किसी पे कोई जबर नहीं कोई इकरा नहीं कोई लालच नहीं बस हकुम पहुँचता था पैगाम पहुँचता था कि यदि मदी मक्ा मुकरमा में अमायद ने, ने और रोसा ने और मिलत के बही ख़ाहों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत की है वो आपको पैगाम देते हैं कि आप भी इस कार ख़ैर में शरीक हो जाए मुसलमानों को मुतहद कर लें तो बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह जो सब बड़े मम्मर साहबी थे ख़ाद रसूल सब जानते हैं उनके नाम नामी को और वो जितने हज़रा थे उन्होंने बैत कर ली और इसी तरह कोफ़ा में वहाँ के हज़रात ने बेद कर ली हती के शाम में जो दिमाश दारखिलाफा था बनोमैया का वहाँ के लोगों ने बेत कर ली सिर्फ़ एक सूबा रह गया उर्दन जो बजात खुद शाम के सूबे का एक जैली सूबा था वहाँ पर यजीद के मामू की हकूमत थी और वो बड़ा यानी ख़ानदानी लिहाज से मुतासब आदमी था उसने कहा कि हम लड़ेंगे भई हम अपने ख़ानदान के सिवा किसी की हकूत कबूल नहीं करेंगे हम अब्दुल्ला बिन जुबैर की बेत नहीं करते हैं अच्छा जब यह सूरत हाल हुई तब अगर आप शरी नुत नगाह से इस मसले को देखें तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि किब्दुल्ल बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह मुसलमानों के वाद मुतफ़ा खलीफा थे किसी एक आध शहर के इनकार करने से खिलाफत का मकाम मजरू नहीं हो सकता और ये मेरी कोई ज़ाती बात नहीं है अगर आप इस बारे में उनको देखेंगे उन हज़रा को जो मौरख भी हैं मुहदस भी हैं सब यही कहते हैं इमाम नबी रहा की आप, आप देख लें वो कहते हैं कि इस ज़माने में यानी सन चौंसठ से लेके रजब चौंसठ से ले के जमा सत्रह उला सन तिहत्तर तक ये करीब नौ साल बनते हैं इस पूरे ज़माने के अंदर मुसलमानों के वाहिद शरी खलीफ़ा अब्दुल्ला बिन जुबैर थे यही बात हाफ़ि जहबी रहा ने फरमाई है यही बात हाफिज़ हाफि जबनकर रहल्ला ने फरमाई है यही बात हमारे दारुल दारोम देवबंद के बहुत बड़े फ़कीह हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमत लाने फ़रमाई है और वो बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर देते थे वो कहते थे ये जो तारीख़ें उर्दू की ख़ास तौर पर इन तारीख़ों में कितनी ग़लत ग़लत बयानी की गई है कि वो यजीद के बाद और यजीद के बेटे माविया जिसकी मुख्तसर सी हकूमत थी बरए नाम उसके बाद जगला अगला, अगला खिलाफत कावान लगता है सुरख़ी लगती है वो मरवान बिन हकम लगी हुई है फिर मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुलमलिक बिन अब्� मरवान लगा हुआ है हज़र अब्दुल्ला बिन जुबैर को तो खलीफे की हैसियत दे नहीं रहे ये बिल्कुल ख़लाफ शरा सोच है और ये काम खिलाफ शरह है इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी थे और उनके मुकाबले में जो लोग थे वो सहाबी नहीं थे तो इसलिए ये शर् खलीफा वो सहाबी की हैसियत तो है ही अपनी जगह मगर शर्यदे है कि जो जिसकी पहले ब्यात हो जाए उसके बाद दूसरी की बेद बिल्कुल बातिल है चाहे वह बुरा हो या चाहे बहुत बरगुजीदा हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इज़ा बुल खलीफ़ तईनी फ़क्तलवाख़िर आखिरहुमा अगर दो खलीफों की बैत हो तो दूसरे खलीफ़ा को कत्ल कर दो जो दूसरा है जो बाद में अपनी बेत ले रहा है चाहे वो चंद मिनट के बाद है वो खलीफ़ा नहीं है बाकी उसे कत्ल करना है तो अब आप इस मसले को देखें गौर से कि किब्दुल्ल्या बिन जुबैर रजब सन चौंसठ हिजरी में खलीफ़ा बन गए इसके बाद पाँच महीने गुजर जाते हैं यानी शाबान रमज़ान शवाल जिलकादा तक और फिर ज़ा के दरमियान तकरीबन ये पाँच महीने गुज़रते हैं इस दौरान क्या होता है अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत बन गई ना तो जो इराक़ का जो जो िम गनर था जैसे यजीद ने मुकर किया था वदुल्ला बिन जयाद उसे ये मालूम था कि किब्दुल्ल बिन जुबैर की अब खिलाफत आई है तो ये इंसाफ़ करने वाले आदमी हैं रसूल्ला के सहाबी हैं ये तो मुझसे बदला लिए बग़ैर के लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे मैंने जितने मजालम किए हैं उन सब का हिसाब मुझे देना होगा मुझे पकड़ के अदालत में लेके आएँगे वह इंसाफ़ यजीद के दौर में नहीं हुआ अब होगा और मौत के सिवा मेरा कोई अंजाम नहीं है तो ये इराक़ से फ़रार हो गया अब इसको ये भी पता था कि आलम इस्लाम के तमाम सूबे में अब्दुल्ला बिन जुबैर की हकूमत है तो वाहि सूबा जो उर्दन था ये उसी तरफ भागा है कि वहीं मैं बच सकता हूँ मगर जब भी उर्दन के उस रास्ते पर था तो रास्ते में एक अजीब बात हुई है कि एक चौराहा रास्ते में आया अच्छा बन उमैया के उस तरफ़ के लोगों में जो आखिरी बड़ा आदमी था जो उनका रईस उनका शरीफ शुमार होता था तजर्बाकार था मरवानबिन हकम था और ये मरवानबिन हकम है उस्मान उद्योग के ज़माने में उनका कातब था तमाम हिसाब किताब लिखना लिखत पढ़त का काम ये करता था तो मरवानबिन हकम जो था ये ये सोच करके भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफतो पूरे आलम इस्लाम में हो गई है अब तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है बेत कर लेनी चाहिए नहीं तो फितना फ़साद जो ना बढ़ेगा और हुकूमत तो हमें मिलनी नहीं है अब तो ये शाम से रवाना हो गया था मक्का की तरफ अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तौम असलम की तारीख़ के वाद हैं, पहले और आखिरी कि जिनका मरकज़ खिलाफत मक्जुमा था तो ये मक् मज़ुमा जा रहा था कि वहाँ जाके उनसे बैत कर ले मगर रास्ते में इस चौराहे चौराहे परबैदुल्ला बिन अब्दुल जयाद से इसका आमना सामना हो गया ये उर्दन जा रहा था और वो शाम से मक्का जा रहे थे दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो गए तो मरवान ने पूछा मियाँ तुम कहाँ जा रहे हो इसने कहा तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो इसने कहा मैं तो मक्का जा रहा हूँ अब्दुल्ला बिन जुबैर से वैध कर लूँ वो तो कोई सूरत है नहीं हमारे पास बनू वैया की हुकूमत तो आ नहीं सकती अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत ही बदफितरत इंसान था बहुत ही मक्कार इंसान था उसने कहा क्योंकि उसको पता था कि अगर मरवान भी उनसे बैत हो गया तो ये उर्दुन वाला जो एक वाहि सूबा रह गया ये भी आज से चला जाएगा यहाँ भी अब्दुल्ला बिन जुवैर की हुकूमत होगी तो मेरे पास से फिर दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ भी होंगे मुझे पकड़ के अदालत में लेके आएंगे तो उसने सिर्फ अपने ीती मफाद के लिए अपने आप को इंसाफ के कटहरे में खड़े होने से बचाने के लिए मरवान को बहकाना शुरू किया उसने कहा अब्दुल्ला बिन जुबैर की क्या हैसियत है ये मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ये सारी मुस्ंद तरीन रवायात हैं और अगर आप उनकी असनाद देखना चाहते हैं हवाले देखना चाहते हैं तो तारीख़ उम्मत मुसलिमा में आपको मिल जाएंगे और आप उन हवालों को देखें असल किताबों पर जाएँ अरबी आपको समझ में नहीं आती तो से पूछ लें कि इसमें कौन सी बात सही है या मैंने कोई गलत तर्जुमा किया है अगर आपको रिजाल के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो रिजाल के माहरीन से बात कर लें सारी बातें मैं पक्की ठक्की और साल हर साल की तहकीक़ के बाद आपको बता रहा हूँ तो मरवान ने कहा कि ज, अ, बिन जयाद ने कहा कि मरवान साहब आप जाके अब्दुल्ला बिन ज़ुबर की बैत करेंगे वो तो फसादी आदमी है वो तो बहुत ही ख़राब किस्म का आदमी है दुनिया परस्त आदमी है आप जनाब बनोमै के शरफ़ा में से हैं आप बड़े आलिम हैं आप बड़े फ़कीह हैं जनाब आप खिलाफत खला, के हकदार हैं आप खिलाफत का दावा करें तो मरवान ने कहा कि उनके होते हुए मुझे खलीफा कौन मानेगा तो ज़ियाद ने कहा इसकी तरकीब भी मेरे पास है देखें यजीद की वफ़ात हो चुकी उनकी अहलिया की इद्दत भी ख़त्म हो चुकी आप यजीद की बेवा से शादी कर लें और ये परो ये मतलब चर्चा करें कि देखें अब मैं यजीद का जानशीन मैं हूँ पहले वो खलीफा था अब जानशीन मैं हूँ तो मैं खलीफा हूँ तो इस तरह लोगों को जमा करें फिर अब्दु, अब्दु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से आप जंग करें तो ये तरकीब मरवान की समझ में आ गई और ज़ाहिर है कि इस ग़लत सोच के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मरवान कोई दूध पीता बच्चा था कि वैदुल बिन ज्याद के बहकाने से बहक गया उसके अंदर हवे से अकतदार के जरासीम मौजूद थे पहले तो उम्मीद ही नहीं थी तो जा रहा था वैद करने जब इस बदवक ने यह उम्मीद दिला दी तो उसने कहा यह तो अच्छी तरकीब बताई तो वो वापस हो गया और वापस जाके उसने यजीद की जो बेवा थी उसके साथ उसने निकाह कर लिया और ज़ुल्हजा में जाबिया एक मकाम है अर्दन का वहाँ उन्होंने दावत दी कि जितने भी हमारे हम ख्याल हैं यजीद के जो मानने वाले हैं सब यहाँ पर जमा हों तो बहुत सारे लोग की बिना पे ख़ानदानी तब याब कुछ भी आप कह लें उसकी बिना पे उनको जमा किया गया बड़ी लंबी लंबी वहाँ पर तकरीरें हुई हैं उन तकरीरों में वाज तौर पर मरवान के फ़ाइल मनाक़ बयान किए गए बेजनाबिये चुना है चुनी हैं ये हजरत स्मान रही के वफादार रहे हैं और इनमें बड़ी फ़काहत है बड़े आलम हैं, अमर रसीदे हैं और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ वो ऐसे अलफाज इस्तेमाल किए गए जो वाजह तौर तो पर साहब कराम की किरदार खुशी है यानी इनको मुनाफिक कहा गया और पता नहीं क्या क्या अलफाजो नकल करने के भी काबिल नहीं है खुलासा ये कि नफरत फैलाओ इसे कहते हैं नफ़रत की सियासत ज़ाती मफादा के लिए और उससे ज़्यादा मनहूस नफरत की सियासत क्या होगी जो साहबे के राम के ख़िलाफ़ की जाए तो ये फिज़ा बना के उन्होंने हज़ारों बंदे वहाँ जमा कर लिए और उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो लोग थे उनके हामी उनके साथ इनकी जंगें शुरू हुई उस इलाक़े में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के गवर्नर थे हज़र अबिन कैस रजी अल्लाह त वो लश्कर लेके मुकाले में आए हैं काफ़ी टाइम तक कई हफ़्तों तक लश्कर आमने सामने पड़े रहे हजरत जहान कैस बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुसलमानों में लड़ाई हो समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे मगर वो समझने वाले नहीं थे आखिर में वैदुल जयाद ने मरवान को कहा कि हुजूर ये जो कशमाकश है ना ये ताक़त से नहीं चालाकी और धोखे से ही हल होगी तो उसने कहा वो कैसे कह लो को आप ये झांसा दे कि हम मान गए कोई मुहिदा तहरीरी माहा तो ना करें रवैया ऐसा जाहिर करें जैसे आपकी बातें हमें समझ में आने लग गई या मान गए हैं वो वो लोग बेफिक्र हो जाएंगे वो जो पहरे का इंतज़ाम और फ़ौजों की तैयारी शायरी है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी अचानक हमने हमला करना है उन पर फिर और उनको मौत के घाट उतारना है डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम